Students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and you are welcome to my channel. Pe bohut bohut hai. Thank you so much for the amazing love and support you have been showing me, and for reaching out through emails and appreciating the fact that I am putting in so much efforts for you guys. I really, really appreciate it. Thank you so much for that. Now, in today's session, we are working on metallurgy. तो जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं दैट इज वॉट विल बी कवरिंग अप टूडे हमने जो पहला सेशन था पहला पोर्शन है मेटोलॉजी का दैट कवर्ड इन द लास्ट वीडियो उसमें कोई डाउट्स है कंसर्न सो यू कैन रीच आउट टू मी यू कैन राइट मी एन ई मेल एट टी एस क्लासेस आईसीएस डॉट कॉम या फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हो या डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एट टेलीग्राम सो वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी आई एम अप्रोचेबल मैम रिप्लाई नहीं करेंगी मैम रिस्पॉन्ड इफ यू हैदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सो आज के सेशन में व्यू आर वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चन राइटर दैट इज एक्सरसाइज सेवन ए सो नेम द्री क्लासेस इन विच एलिमेंट आर क्लासिफाइड तो जो तीन मेन क्लासिफाइड मतलब क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की दैट इज मेटल्स

नेम द मेटल विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड पिगमेंट तो ब्लड के अंदर आयरन होता है इसलिए कहते हैं कि काफी आयरन कंजम्पन करना चाहिए ताकि आपका ब्लड अच्छा रहे फॉर एग्जाम्पल इट्स आज टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ऑल ऑफ दैट इज फॉर द सेम रीजन न प्लांट पिगमेंट मैग्नीशियम प्लांट पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल क्लोरोफिल में पेग्नीशियम होता है क्वेश्चन नंबर थ्री गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन लिविंग गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन लिविंग बींग्स ओके सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसे यूज किया जाता है इट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प प्रिजर्व फूड सेकेंड हाइड्रो सेकंड हाइड्रोजन कैसे यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को ट्रीट करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं क्युं? क्यों क्योंकि उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ताकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन सके देन कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बींग क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स काफी ज्यादा कार्बन पर डिपेंड करते हैं रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग नाउ स्टेट द पोजिशन ऑफ फॉलोइंग इन दीरोडिक टेबल तो आपको सिर्फ पोजिशन पता होनी चाहिए कि या तो आपको ग्रुप का नंबर पता हो सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट दरथली मेटल्स का है वन ए एल्काइन अर्थ मेटल्स का है टू ए हेलोजन इज सेवन ए एल्यूमिनियम इज थ्री ए तो ये जो डिटेल्स है कि कहाँ पे क्या लाया करता है ये मैं ऑलरेडी पीरियडिक टेबल में समझा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफरिक टेबल क्योंकि अगर अभी मैं आपको समझाऊंगी भी तो अगर आपको प्योरिक टेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगा ठीक है सो so, अगर आपको प्योरटिक टेबल में जाके समझना है और ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता तो वो वाली वीडियो में डेफिनेटली चेक कर लेना नाउ नेम्स आपको यहाँ पे सारे नेम्स बताने हैं सो वील स्टार्ट विद द नेम अ लिक्विड नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड है सो द आंसर इज ब्रोमीन टू मेटलॉइड सो दैट इज बोरॉन एंड सिलिकिन मेटल्स विच डू नॉट करोड इजिली सो एल्यूमिनियम डज नॉट करोड इजिली ऐसा क्यों क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा ऑक्साइड बनाता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है तो अगर ये एल्यूमिनियम का मान लो पेन है ठीक है एक बार है एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम इसके पूरे ऊपर ही एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बना देता है विथ स्टिक्स टू द सर्फेस और वो एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोड होने ही नहीं देता सो इट इज अ मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर एल्यूमिनियम सो टू मेटल्स विच रियक्ट विथ कोल्ड वाटर Potassium and sodium, a non metal which can form a positive ion, hydrogen, a non metal which shows reducing property, that is carbon. Moving on to question 6. From the list of characteristics given below, select the 5 which are relevant to non metals and their compounds. So, nonmetals uh, non metals ke case mein aapke valid. Hai. So, ductile, hote, then conduct electricity, no. Brittle, yes, non metals are brittle. They are acidic oxides, yes.

मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड वो ये वाला जो रिएक्शन है वो इतना एक्सोथर्मिक होता है कि एक्चुअली वहाँ आग लग सकती है उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एल्कली मेटल्स मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हवा से उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ तभी रुक सकता है कि अगर आपने उसे केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा हुआ है क्योंकि अगर आप कुछ और यूज कर रहे हो तो चांसेस आर कि जो मेटल है वो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा ठीक है

एच प्लस आयन बनाता है और एच प्लस मेटल्स बनाते हैं तो क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन की और मेटल्स की सिमिलर है इसी वजह से हाइड्रोजन मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म पॉजिटिव आयन दैट इज एच माइनस वन इलेक्ट्रॉन गिविंग एच प्लस आयन सिमिलर टू द मेटल्स मूविंग ऑन टू सी पार्ट वाई डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल इज ऑफ यूज सो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट नॉट गोल्ड इंस्ट्रूमेंट बट गोल्ड ऑर्नामेंट मतलब गोल्ड की ज्वेलरी हो गई जब आपके पास बहुत सालों से है फिर भी वो खराब नहीं दिखती बिकॉज वो बहुत लेस रिएक्टिव है तो वो मेटल जो भी आपके हवा में जो भी रिएजेंट्स प्रेजेंट है वो उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करती तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता गोल्ड को तो so इसी वजह से इट्स टेस्ट शाइनिंग इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ यूजेज सो गोल्ड बींग रियक्टिव डज नॉट रिएक्ट विद एम्फोटेरिक एट सॉरी एटमोस्फियरिक रिएजेंट्स

रिएक्टिव हैल्फाइड ना तो मेटल वुड बी लेड और इसका जो आपका ओर का नाम है दैट इज गेलीना ठीक है गेलीना इज एन ओर ऑफ लेड विच कैन एग्जिस्ट एज अल्फाइड वेन वी टॉक अबाउट है रॉक सॉल्ट रॉक सॉल्ट एंड आज मेरे वर्ड्स कहा जा रहे हैं रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ सोडियम ठीक है सो so, जो हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और उसका जो मेन मेटल है जो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे वो है सोडियम उसके बाद आइए कार्बोनेट पे सो so, कार्बोनेट का जो ओर है जहां कार्बोनेट आपके जहां से आप एक्सट्रैक्ट करते हो दैट इज मार्बल और जो आपका मेटल है दैट इज कैल्शियम उसके बाद आइए ऑक्साइड पे सो so, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका जो ओर है दैट इज नाउ बिटवीन अ मिनरल मिनरल एंड एन ओर अब तो सारी ही मिनरल हैं जितने भी आपको अपने अर्थ क्रस्ट पे से मिल रहे हैं बट सभी इतने वाइबल नहीं होते जिसमें से आप एक्सट्रैक्शन कर सको प्रॉफिटेबली और सस्ते में और अच्छे से बेच बेच सको अगर मान लो आपने एक्सट्रैक्शन करी और निकला ही बहुत कम मेटल तो क्या फायदा हुआ उसका तो यू नीड टू हैव अबंडेंस ऑफ द मेटल प्लेस विच इज मोर अप्रोचेबल एंड जहां जाके एक्सट्रैक्शन करा जा सकता है और तीसरा इट शुड बी कॉस्ट सेविंग वहां से लेके जहां आपको बेचना है उनका डिस्टेंस इज मेटेन्ड बहुत होगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा मिनरल्स आर यूजली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स विच आर जनरली प्रेजेंट विद अदर मैटर्स सचे सॉइल्स एंड लाइन स्टोन एंड रॉक्स ठीक है सो मिनरल्स सबके साथ एग्जिस्ट करते हैं सब जो भी आपके रेगुलर सॉइल में चीजें उसमें कहीं कहीं ट्रेसेस ऑफ मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं और वो मिनरल्स हैं जहां से आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन कर सकते हो सो ओर्स आर दो मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट लो कॉस्ट एंड कम्फर्टेबली ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट है नाउ बी पार्ट क्या था बी पार्ट है एन ओर मेटालिक कंपाउंड

एंड देन गैंग पार्टिकल्स वो है जो इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो आप बेसिक ट्रीटमेंट से हटा सकते हो ठीक है जैसे मड है सिलेिका है और पेबल्स uh, रॉक्स कुछ बेसिक ऐसी जिसमें केमिकली कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई नहीं है इट इज जस्ट ओवर इट नियर इट क्रश इन टू इट एक्सवाइजी ठीक है दर्दी इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका मड एसोसिएटेड विद आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स ठीक है स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज

नवंबर के बाद द नेक्स्ट बैच दैट आई विल स्टार्ट विल बी फॉर सैम्पल पेपर्स तो वो बैच स्पेसिफिकली सैम्पल पेपर्स का होगा इफ यू आर अ स्टूडेंट हु बिलीव्स इन सेल्फ स्टडीज एंड कवरिंग अप एवरीथिंग ऑन देअर ओन बट उनको सैम्पल पेपर्स करेक्शन ऑफ पेपर्स अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प चाहिए देन दैट बैच वुड बी फॉर यू थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर ऑल द लेवन सपोर्ट वंस अगेन Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward. Thank you so much, and we'll catch up in the next session.